हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर टेली से डायरेक्ट अपने कस्टमर या सप्लायर को उसका आउटस्टैंडिंग उनका लेजर वगैरह आप मेल करना चाहते हो तो किस तरीके से आप टेली से मेल कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कुछ गूगल अकाउंट, जो आपका जीमेल अकाउंट वगैरह, वहाँ पर कुछ आपको सेटिंग करना होता है और टेली के अंदर भी कुछ सेटअप करना होता है, जिसके बाद आप डायरेक्टली आप टेली से पार्टी को आउटस्टैंडिंग या लेजर मेल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग वगैरह जो आपको जीमेल अकाउंट के अंदर करना है, जीमेल अकाउंट का मैं यहाँ पे आपको सेटअप बताऊंगा। तो जीमेल अकाउंट में आपको किस तरीके से सेटअप करना है वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट ओपन है, तो इस अकाउंट में आपको पहले सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में आपको फॉरवर्डिंग एंड POP IMAP का ऑप्शन होगा। वहाँ पर जाके जो POP डाउनलोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको POP इज इनेबल फॉर ऑल मेल को इनेबल कर देना है। फॉर जो ये सेकंड ऑप्शन है IMAP एक्सेस, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। ये दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। उसके बाद जो ये मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आपको आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ एक्सेस, यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन होगा। एक्चुअली मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है, ये ऑफ रहेगा तो उसको आपको ऑन कर देना है, क्योंकि ये ऑन करने के बाद ही आप कोई भी, मैं टेली की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको ईमेल सेटअप करने के लिए आपको इसको ऑन करना जरूरी होता है, तभी वो वहाँ से एक्सेस हो पाता है। तो यहाँ पे उसको ऑन कर देना होगा। इसी के बाद आप टेली से आपको अपने ईमेल के थ्रू, मतलब आपके डायरेक्ट को मेल से ही मेल जाएगा, बट आपके टेली से डायरेक्ट को मेल चला जाएगा। आपको मैन्युअली एक्सपोर्ट करके जो हम लोग मेल अकाउंट ओपन करके मेल करते हैं, उस तरीके से ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे आपको पूरा लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ दोनों मैंने सेटअप कर दी है, और टेली के अंदर आपको क्या करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको FTL में जाना है, ईमेलिंग में जाना है, यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल तीनों का ऑप्शन है, तीन का आप सेटअप कर सकते हो। रेडी वगैरह का सेटअप का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे जो सेटअप है सेम चीज़ आप कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी आपका कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना है, और यहाँ पे आपको मेल में से जो @gmail ऑप्शन है वो आपको यहाँ से निकाल देना है। यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड दे देना है, और पासवर्ड आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप टेली को रिस्टार्ट करोगे तब आपको एक बार जब भी आप कोई भी मेल करोगे तो उस टाइम पे आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। हर बार वो पासवर्ड मतलब सेव होके नहीं रहेगा, आपको पासवर्ड एक बार एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट में मेल करना है, PDF में करना है तो यहाँ पे आप PDF सेलेक्ट कर ले, आप एक्सेल में करना चाहते हो एक्सेल सेलेक्ट कर ले। मैं एडवाइस दूंगा आप PDF ही रखें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्टेटमेंट वगैरह PDF में मेल भेजते हैं। यहाँ पे आपको A4 रखना है, यहाँ पे उसको सेव कर देना है। अभी मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके उसका आपको स्टेटमेंट मेल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पार्टी का मैंने स्टेटमेंट ओपन करके रखा है। मैं यहाँ से इस पार्टी के स्टेटमेंट को डायरेक्ट मेल करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे जो ईमेल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड ऑटोमेटिक सेव होके आएगा, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस इसलिए आ रहा है पार्टी का क्योंकि मैंने पार्टी के लेजर के अंदर ईमेल एड्रेस फिक्स किया हुआ है। आपको पार्टी के लेजर के अंदर ईमेल एड्रेस फिक्स कर देना है, तो आपको हर बार ईमेल एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद आपको यस करना है। तो ये आपका ईमेल चला जाएगा। अगर कुछ एरर होगा, आपने कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं किया होगा तो ऑथेंटिकेशन का एरर आएगा। मैं यहाँ पे आपको मेल में आपको दिखा भी देता हूँ, सेंड आइटम में मेरा मेल चला गया होगा। देखो यहाँ पे ये लेजर अभी जस्ट मैंने मेल भेजा, ये PDF में मेल चला जाएगा। तो इस तरीके से वो मेल जाएगा। सेम चीज आप आउटस्टैंडिंग वगैरह भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेरा अभी बिल वाइज वगैरह डिटेल नहीं सेट किया है, तो आउटस्टैंडिंग में भी हर एक जगह पे ऑप्शन ईमेल का ऑप्शन रहता है। आप चाहे बैलेंस शीट को मेल करना चाहते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको मेल वगैरह किसी को भी करना है तो सेम यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है, वहाँ से ईमेल के ऊपर क्लिक करके आप मेल भेज सकते हो। बट आपको ईमेल के लिए जो मैंने सेटिंग बताया वो सारे सेटअप आपको करने होंगे। मैंने ऑलरेडी याहू का और जीमेल का प्रॉपर डिटेल में ईमेलिंग का सेटअप बताया हुआ है। आप
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको वीडियो देख लेना, बट इस वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा। और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने ग्रुप में सबको शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नॉलेज के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।